अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एच हादी ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमआरआई का चैप्टर नंबर 3, के स्पेस एंड स्कैनिंग पैरामीटर्स। के स्पेस हमारे पास एक इमेजिनरी स्पेस है जिसके अंदर हम रॉ डेटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए हम इसको रॉ डेटा मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमको एक बार एमआर सिग्नल्स मिल जाते हैं, उस टाइम से लेकर उन सिग्नल से इमेज बनने तक, इस दौरान जितनी भी स्टेज है इसको हम कहेंगे के स्पेस। इस केस स्पेस में रॉ डेटा को स्टोर किया जाता है एंड बाय द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं सिग्नल से फिर इमेज बनाई जाती है। इस केस स्पेस में दो एक्सेस होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल एक्सेस जिसको हम फेज एक्सेस भी कहते हैं, और ये इस केस स्पेस के मिडल में हॉरिजेंटली प्लेस होता है। फिर इसी हॉरिजेंटल एक्सेस के परपेंडिकुलर एक और एक्सेस होता है जिसे हम परपेंडिकुलर एक्सेस भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी एक्सेस भी कहते हैं या वाई एक्सेस। जो रॉ डेटा से सिग्नल्स आते हैं वो के स्पेस में हॉरिजेंटल लाइंस की सूरत में स्टोर होते हैं। के स्पेस के अंदर कितने सिग्नल्स आके फिल हो चुके हैं हॉरिजेंटल लाइंस की सूरत में, ये डिटरमाइन करवाता है बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट फेज इनकोडिंग स्टेप। हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सेस है उसे हम कहते हैं फेज एक्सेस। तो जितने भी सिग्नल्स जो आके के स्पेस को फिल करते हैं एज अ हॉरिजेंटल लाइन, उनको हम डिटरमाइन करते हैं या काउंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेज इनकोडिंग स्टेप। जितने हम फेज इनकोडिंग स्टेप्स यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि के स्पेस में उतने ही लाइंस प्रेजेंट हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने 128 डिफरेंट फेज इनकोडिंग स्टेप्स यूज़ किए हैं, तो जिससे मुराद है कि हमारे पास के स्पेस के अंदर 128 लाइंस प्रेजेंट हैं जो कि एक इमेज बना रही हैं। अगर हम बात करते हैं पुराने कन्वेंशनल स्पिन इको इमेजिंग की, तो उसमें क्या होता था कि जब एक रेपिटेशन होती थी ना, टाइम ऑफ रेपिटेशन, तो उसके साथ ही वन लाइन के स्पेस के अंदर फिल होती थी। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन होती थी उतनी ज़्यादा लाइंस फिल होती थी। लेट्स कंसिडर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 128 बाई 128 का, यानी 128 रोज़ हैं और 128 कॉलम है, ठीक है। तो उसके अंदर 128 टाइम ऑफ रेपिटेशन रिक्वायर्ड हैं उन सारे के सारे मैट्रिक्स की लाइंस को फिल करने के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास 128 का है, तो 128 टाइम ऑफ रेपिटेशन चाहिए होंगी और हर एक टाइम ऑफ रेपिटेशन पे एक एक लाइन फिल होगी। तो 128 टाइम ऑफ रेपिटेशन पे 128 लाइंस फिल होंगी तो हमें एक इमेज मिल जाएगी। एरे ऑफ सिग्नल्स या ग्रुप ऑफ सिग्नल्स जो हम एज अ लाइन के स्पेस के अंदर देखते हैं, असल में ये लाइंस नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ रॉ डेटा होता है। इन रॉ डेटा को हम कंसिडर करते हैं एज अ लाइन, तो दे डज नॉट रिस्पॉन्ड विद द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द पिक्सल इन द इमेज। इस के स्पेस का जो सेंटर वाला एरिया होता है, सेंटर पार्ट, वो हमें शो करवाता है कंट्रास्ट, और जो पेरिफ्री साइड वाला एरिया होता है वहाँ पर हमें रेजोल्यूशन एंड डिटेल्स नज़र आती है इमेज के ऊपर। इस के स्पेस में दो एक्सेस होते हैं, एक होता है फेज एक्सेस, एक होता है फ्रीक्वेंसी एक्सेस। ये इस के स्पेस को इस तरह डिवाइड करते हैं कि 4 इक्वल हाफ बन जाते हैं, राइट अपर लेफ्ट अपर, राइट लोअर लेफ्ट लोअर। ये दोनों सिमेट्री में एक दूसरे के सेम होते हैं और इनके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन आती है। इसी इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम के स्पेस को मैनिपुलेट करते हैं और सेम इमेज कम टाइम में ले लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सैम्पलिंग। ये तो वही वाली बात हुई कि लेट्स कंसीडर एक बॉक्स अगर 5 का है तो बाकी बॉक्स कितने होंगे। जाहिर बात है कि सब के सब सिमेट्री में एक जितने हैं, तो सब के अंदर वैल्यू 5 आएगी और हमारे पास रिजल्ट 20 आएगा। तो सेम इसी तरह हम मैनिपुलेट करते हैं सिग्नल्स को कि जितने सिग्नल्स एक तरफ आ जाते हैं उसी को हम कंसिडर करके पार्शल सैम्पलिंग के थ्रू हम लेस टाइम के अंदर इमेज बना लेते हैं। इसके लिए हम सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको यूज़ करते हैं जिसके अंदर आधी से ज़्यादा के स्पेस भर जाती है। इसी तरह हमारे पास एक और आता है, इसका नाम है अल्ट्रा फास्ट इको प्लानर इमेजिंग EPI। इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी लाइन्स एक ही टाइम ऑफ रिपीटेशन के अंदर फिल हो जाती हैं। 4th चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर टॉपिक आता है स्कैनिंग पैरामीटर। सबसे पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम बने होते हैं पिक्सल से। तो पिक्सल क्या है? पिक्सल इज़ अ पिक्चर एलिमेंट एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिजिटल इमेज। एक डिजिटल इमेज आप ले लें तो उसके अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो होता है पिक्सल, 2D होता है, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट। मैट्रिक्स बना होता है रोज एंड कॉलम ऑफ पिक्सल्स। लेट्स कंसिडर एक हमारे पास मैट्रिक्स है 256 बाई 256 का। इसका मतलब है कि इसके अंदर 256 रोज होंगी एंड 256 कॉलम्स होंगे। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को सेम रखें, फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास वो होता है कि जो एनाटॉमी हम कवर करना चाहते हैं,
जितना ज़्यादा मैट्रिक्स का साइज़ होगा इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ द पिक्सल ज़्यादा हो रहे हैं एंड साइज़ ऑफ पिक्सल्स कम हो रहा है, जिसके साथ उसकी रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी। जितना पिक्सल्स का साइज़ छोटा होता है ना, उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, हाई होती है। एक इमेज 512 बाई 512 के मैट्रिक्स पर ली जा रही है और एक इमेज 256 बाई 256 के मैट्रिक्स पर ली जा रही है, तो 512 वाले मैट्रिक्स पर जो इमेज है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उसके अंदर रेजोल्यूशन अच्छी आएगी। जितना मैट्रिक्स का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे उतना हमारे पास स्कैनिंग टाइम इंक्रीज़ होगा और साथ साथ सिग्नल टू नॉइस रेशो कम होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का साइज़ इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ पिक्सल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा देर लगेगी, स्कैनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, एंड सिग्नल टू नॉइस रेशो जो आ रही थी वो रिड्यूस होगी। अब बात करते हैं पिक्सल और वॉक्सल की। पिक्सल हमारे पास इमेज के अंदर बेसिक यूनिट है और ये टू डायमेंशनल होता है, इसे हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं, जबकि वॉक्सल हमारे पास 3D होता है, 3D एंड इसे हम वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। वॉक्सल को डिटरमाइन करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फील्ड ऑफ व्यू, एक मैट्रिक्स का साइज़ कितना है और दूसरा स्लाइस थिकनेस। फिर नेक्स्ट आता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं और उसको इमेज पर दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेड ऑन द इमेज। फील्ड ऑफ व्यू को कम अज़ कम इतना होना चाहिए ताकि वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कवर कर सके। ये हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जिस एरिया से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक तरफ जस्ट लंग्स है और दूसरी तरफ पूरी बॉडी है, तो जितना फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा उतना सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा होगी लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कम होगी। देखिए जितना फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतना ज़्यादा एरिया से हम इमेज ले रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एरिया से हम इमेज लेंगे इसी के साथ सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनाटॉमी होगी उतने ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे बॉडी से, लेकिन उस इमेज की रेजोल्यूशन ख़राब आएगी क्योंकि जितनी छोटी चीज़ को हम फोकस करते हैं उतनी अच्छी नज़र आती है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन NEX या नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस NSA। इसकी डेफिनेशन हम यू करेंगे कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ द टाइम्स द डेटा इज़ एक्वायर्ड फ्राम द सेम इमेज, यानी एक इमेज बनाने के लिए, सेम इमेज बनाने के लिए हम कितनी मरतबा डेटा को एक्वायर्ड करेंगे। जितनी ज़्यादा टाइम्स हम एक्विजिशन करेंगे, एवरेजेस लेंगे, उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, SNR इंक्रीज़ होगा, सिग्नल्स इंक्रीज़ होंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्कैनिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी जितने नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन ज़्यादा होंगी उतनी पिक्चर तो अच्छी आएगी, सिग्नल टू नॉइस रेशो तो इंक्रीज़ होगी लेकिन साथ साथ टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा उस प्रोसीजर के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लिप एंगल। ये हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में मौजूद फैक्टर को जब हम RF पल्स देते हैं तो वो टिल्ट हो जाता है ना, मूव्स अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस, इसे कहते हैं फ्लिप एंगल। जितना फ्लिप एंगल शॉर्टर होगा उतना स्कैनिंग टाइम कम होगा। शॉर्टर फ्लिप एंगल हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर। ग्रेडियंट सीक्वेंस के अंदर फ्लिप एंगल डिटरमाइन करता है कंट्रास्ट को। फिर यहाँ पर एक बात लिखी हुई कि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर अगर हम लॉन्गर फ्लिप एंगल यूज़ करते हैं तो उसमें T1 वेटनिंग भी ज़्यादा होती है, यानी फैट के टिश्यू ब्राइट नज़र आते हैं ज़्यादा। यहाँ पर इस बात से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर हमेशा शॉर्ट फ्लिप एंगल ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग फ्लिप एंगल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर T1 वेटनिंग को वो प्रमोट करेगा, यानी ब्राइट आएंगे फैट के टिश्यू। फिर यहाँ एक और बात लास्ट लिखी हुई है कि फ्लिप एंगल जो है ये स्पेसिफिक है सीक्वेंस के साथ। कौन सी सीक्वेंस? ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के साथ। इट इज़ नॉट यूजुअली चेंज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग। फिर हमारे पास आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ये दो तरह के बैंडविड्थ हैं, एक हमारे पास वाइडर बैंडविड्थ है और दूसरा हमारे पास नैरो बैंडविड्थ है, ठीक है। जितना बैंडविड्थ नैरो होगा, कम होगा, उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी सिग्नल मिलेंगे, SNR ज़्यादा होगा और इतना ही ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगा, लेकिन टाइम ऑफ इको उसके अंदर कम होगा, एंड वाइस वर्सा जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा उसकी अपोजिट चीज़ें होंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है SNR, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशो। SNR हमें बताता है कि कितने यूज़फुल सिग्नल्स हैं और कितने अनवांटेड सिग्नल हैं। अनवांटेड सिग्नल्स को हम कहते हैं नॉइस। जितनी ज़्यादा नॉइस होगी उतनी इमेज ख़राब होगी, जितने ज़्यादा सिग्नल्स होंगे उतनी इमेज अच्छी आएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जितना SNR इंक्रीज़ होगा इसका मतलब है कि पिक्चर लेस ग्रेनी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, डिटेल्स उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं SNR को, वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और चेंजेबल फैक्टर भी हो सकते हैं। ये फिक्स्ड फैक्टर कभी चेंज नहीं होते। इनमें आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, पल्स सीक्वेंस डिज़ाइन एंड टिश्यू करेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो टिश्यू वाटर का है चाहे फैट का है। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं सिग्नल टू नॉइस रेशो पर, जो कि फिक्स्ड हैं।
अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो चेंज हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम चेंजेबल फैक्टर्स, जिनके अंदर आता है वोक्सल साइज चेंज हो सकता है, रिसीवर बैंडविड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ एक्साइटेशन या नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस ये भी चेंज हो सकते हैं, और एफ कॉइल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड स्लाइस क्रॉस टॉक। फिर आती है हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी है जो दो पॉइंट्स को क्लियरली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट हमें दिखाती है। जितना पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स छोटे होंगे उतनी ही उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, एंड इट इम्प्रूव्स विद द मैट्रिक्स साइज, यानी जितना मैट्रिक्स साइज बढ़ता जाएगा उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स भी बढ़ेंगे एंड साइज ऑफ पिक्सल डिक्रीज होगा। साइज ऑफ पिक्सल डिक्रीज होने से स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद आता है कंट्रास्ट। इट इज़ द सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। सिग्नल्स की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो ब्राइट नज़र आ रहा होगा, किसी की इंटेंसिटी कम होगी वो हमें डार्क नज़र आ होगा। तो इन दोनों ब्लैक एंड डार्क के दरमियान जो चीज़ बनती है इसे कहते हैं कंट्रास्ट। जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा उतने ईजी और अच्छे तरीके से हम दो स्ट्रक्चर को, एडजेसेंट स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट इन एन इमेज इज़ डिटरमाइंड बाय द टिश्यू स्पेसिफिक पैरामीटर्स, जैसे कि T1, T2, प्रोटॉन डेंसिटी, केमिकल एनवायरनमेंट, मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड हाइड्रेशन लेयर। अब यहाँ पर एक टर्म आती है CNR, कंट्रास्ट टू नॉइज़ रेशियो। हमें पता है कि हर एक टिश्यू की अलग अलग SNR होती है। लेट्स कंसिडर टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों की SNR के अंदर डिफरेंस है, एक की SNR और है, एक की SNR और है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको कहते हैं हम CNR, कंट्रास्ट टू नॉइज़ रेशियो। फिर नीचे फॉलोइंग रिलेशन दिया हुआ है, जिसमें AT रिप्रेजेंट करता है एक्विजिशन टाइम को, यानी वो टाइम जिसके अंदर हम डेटा को लेते हैं। दूसरा TR हम कहते हैं टाइम ऑफ रिपीटेशन को, टाइम ऑफ रिपीट। N star का मतलब है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए मैट्रिक्स। NEX का मतलब है नंबर ऑफ एक्साइटेशंस। किसी भी इमेज की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, तीसरा है स्कैनिंग टाइम। इनको हम इस टेबल से समझते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितना फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा उतने उसके अंदर एनाटमी ज़्यादा कवर होगी। जितनी ज़्यादा एनाटमी कवर होगी उतने ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे, यानी SNR इंक्रीज़ होगा। लेकिन एनाटमी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्पेशल रेजोल्यूशन कम होगी, और स्कैनिंग टाइम के ऊपर इसके कोई इफेक्ट नहीं है। फिर बात करें अगर स्लाइस थिकनेस की, तो जितना स्लाइस की थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ही उस जगह से सिग्नल्स भी ज़्यादा आएंगे, SNR इंक्रीज़ होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन स्मॉल ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है। जितना हमारे पास स्लाइस थिकनेस का साइज़ बढ़ता जाएगा उतनी उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन कम होती जाएगी। फिर आता है मैट्रिक्स। जितना मैट्रिक्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की तादाद इंक्रीज़ होगी और साइज़ ऑफ पिक्सल डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होगी। जितनी स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होगी उतना ही स्कैनिंग टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन एक कंफ्यूजिंग बात जो याद रखने वाली है कि मैट्रिक्स की इंक्रीज़ होने से सिग्नल्स टू नॉइज़ रेशियो SNR डिक्रीज़ होगा। फिर आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स एवरेजेस NSA या नंबर ऑफ एक्साइटेशन NEX। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी एवरेजेस ज़्यादा होंगी उतनी ही उस जगह से सिग्नल ज़्यादा आएंगे, यानी SNR इंक्रीज़ होगा। जितने ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे तो उन सिग्नल्स को लेने के लिए उनका टाइम भी बढ़ेगा ना, तो स्कैनिंग टाइम भी इसके साथ इंक्रीज़ होगा। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फिर सबसे आखिर में हमारे पास आता है रिसीवर बैंडविड्थ। तो जितना बैंडविड्थ का साइज़ इंक्रीज़ होगा, यानी वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हमें सिग्नल्स लेस मिलेंगे, तो SNR भी कम होगी और स्कैनिंग टाइम भी इसके अंदर कम होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।